नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन अकेडमी के इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम दूसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि आपकी पूरी किताब में से, पूरी पुस्तक में से सबसे ज़्यादा नंबर का पार्ट है। 6 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। देखो, एक प्रश्न जो आपको इससे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा भाग ए के अंदर, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जबकि एक प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा भाग दे के अंदर। चैप्टर का जो नाम है वो है मानव तंत्र। तो हम शुरू करते हैं अपना दूसरा अध्याय। इसका जो अंक भार है ये है 6 नंबर के, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसका जो नाम है वो है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। यानी हमारे जो शरीर के अंदर किस किस प्रकार के जो तंत्र है, मुख्य रूप से हम यहाँ बात करेंगे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, इन सभी तंत्रों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस अध्याय के अंदर। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप आगे चलकर 10वीं के बाद अगर आप साइंस लेते हो, बायोलॉजी लेते हो, तो उसमें ये आप चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर आप कॉमर्स लेते हो या एग्रीकल्चर ले लेते हो या आर्ट्स ले लेते हो, तो ये चीज़, या मैथ लेते हो, तो फिर ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये हमारे शरीर को लेकर ये जो अध्याय है, ये हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, तो उस चीज़ को लेकर हम आज अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये जो अध्याय है कितने नंबर का है, 6 नंबर के प्रश्न जो इससे पूछे जाएंगे, जिसमें से एक जो प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा, वो आपको भाग एक के अंदर पूछा जाएगा। जबकि जो एक प्रश्न होगा जो 5 नंबर का होगा, जिसमें से किसी भी एक तंत्र को लेकर आपके लिए पूछा जाएगा कि जैसे मान लो पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, या श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए, या उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए, या मानव मस्तिष्क का वर्णन कीजिए, या मानव के नरजनन तंत्र का वर्णन कीजिए, या मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से कोई ना कोई एक बड़ा प्रश्न होगा, किसी तंत्र को लेकर उसका चित्र बनाना होगा और उसके बारे में लिखना होगा। इस प्रकार से एक बड़ा प्रश्न इससे बनेगा, और एक जो प्रश्न बनेगा इससे छोटा प्रश्न बनेगा कोई सा भी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो, मानव तंत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर बना हुआ है कोशिकाओं से बना हुआ है। यानी हमारे शरीर की अगर सबसे छोटी से छोटी इकाई की अगर हम बात करें, तो वो है कोशिका। कोशिका को हम शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर की जो संरचना है, यानी शरीर का जो निर्माण हुआ है, वो किससे हुआ है? कोशिकाओं से हुआ है। और क्रियात्मक इकाई का मतलब शरीर के अंदर जो भी जो क्रियाएं होती है, वो सब कोशिका के अंदर ही होती है। इसलिए कोशिका को हम शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कोशिकाओं का, कोशिका का इतिहास आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। इसकी जो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, इसकी खोज की थी, लेकिन वो जो कोशिका थी मृत कोशिका थी, और जीवित कोशिका को जो सबसे पहले देखा था वो किसने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। तो ये सारी चीजें आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, कोशिका सिद्धांत के बारे में आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। तो देखो, फिर भी मैं एक सामान्य जानकारी आपको दे देता हूँ कि जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। देखो, कोशिका और कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं, टिश्यू। कोशिका और कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। यानी कोशिकाओं का जो समूह होता है, समान कार्य करने वाली, समान संरचना वाली कोशिकाओं का जो समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, उत्तक और उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? अंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंग। और अंग और अंग मिलकर क्या बनाएंगे? तंत्र बनाएंगे। और तंत्र और तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा पूरा शरीर बनेगा। तो इस प्रकार से एक पूरे शरीर के अंदर देखो बहुत सारे तंत्र होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे तंत्र मिलकर, जैसे श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, तो इस प्रकार से बहुत सारे तंत्र मिलकर क्या करते हैं? पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और सबसे महंगा चैप्टर है आपकी किताब का। तो अच्छे से समझे, और कॉपी की आप नोटबुक वगैरह, और अगर किताब अवेलेबल हो तो वो भी लेके बैठे साथ में, के साथ में नोट्स बनाते चले। किसी भी प्रकार का कोई टॉपिक हम यहाँ मिस करने वाले नहीं है। ध्यान रखें, कोरोना से बचना है, पढ़ाई से नहीं बचना है, इसलिए जब तक लॉकडाउन है हम क्लासेस जारी रखेंगे। आगे भी लॉकडाउन के बाद भी हम क्लासेस ऑनलाइन जारी रखेंगे, तो इसलिए आप जितना हो सके इन क्लासों का लाभ उठाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
तो हम शुरू करते हैं, देखो मानव तंत्र के बारे में। इस तंत्र के बारे में जो सबसे पहला जो अपन टॉपिक लेंगे वो लेंगे पाचन तंत्र। कौन सा लेंगे? पाचन तंत्र लेंगे। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा पाचन तंत्र। देखो पाचन नाम से आपको पता है पाचन तंत्र का मतलब क्या होगा, भोजन को पचाने से संबंधित तंत्र होगा, उसे हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या हो सकती है पाचन तंत्र की। सबसे पहले पाचन तंत्र को समझने के लिए हम बात करते हैं पाचन की, बात करते हैं पाचन क्या होगा। देखो हम भोजन करते हैं कोई भी, ठीक है, तो भोजन के अंदर देखो अलग अलग प्रकार के अवयव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के अवयव होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो घटक होते हैं इनको हम जटिल अणु कह सकते हैं। इन जटिल अणु का शरीर में सीधा उपयोग नहीं होता है, इनको जटिल अणु को शरीर में क्या किया जाता है? सरल अणु में तोड़ा जाता है, ठीक है। इन सरल अणु में तोड़ने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो पाचन की परिभाषा क्या दे सकते हैं हम? देखो भोजन के जटिल अणु में, भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया, भोजन के सीधी इजी भाषा में लिखे हम, देखो भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब देखो पाचन के अंदर बहुत सारे अंग मिलकर काम करते हैं, तो उन सभी अंगों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र। तो हम क्या कहेंगे? पाचन में शरीर के विभिन्न अंग भाग लेते हैं तथा इन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी अगर सीधी सी भाषा में अगर हम देखें तो? भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है, तथा इस क्रिया में, तथा इस क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। तो बात करेंगे हम पाचन तंत्र की। देखो पाचन तंत्र में जो हमारा जो मुख्य जो भाग आता है, या पाचन तंत्र को हम दो भागों में हम बांटते हैं। किस किस भागों में बांटते हैं? देखो पाचन तंत्र को एक तो हम बांटेंगे अपने, एक तो बांटेंगे अपन आहार नली के बारे में। पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांटेंगे, आहार नली और दूसरा आता है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां दो भागों में इसको हम पढ़ेंगे। देखो पाचक ग्रंथियां जो है वो हम मुख्य रूप से तीन प्रकार की पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में, एक या हम बात करेंगे यकृत के बारे में लीवर, और एक हम बात करेंगे अग्नाशय के बारे में पैंक्रियाज। अग्नाशय के बारे में बात करेंगे। देखो आहार नली को भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। आहार नली में देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अपना आ जाएगा मुख, फिर क्या जाएगी? मुख गुहा, फिर आ जाएगा आपका ग्रसनी, ग्रसिका, या इसको ग्रास नली भी बोलते हैं, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। मलाशय लिख सकते हो या आप लास्ट में आप मलद्वार भी लिख सकते हो, मलाशय या मलद्वार, ठीक है। तो इन बिंदु को लेकर हमें इस पूरे तंत्र को पढ़ना है। एक तो ये तंत्र अपन पढ़ेंगे जो किस किसके अंतर्गत आते हैं, ये अंग, इन अंगों के बारे में बात करेंगे जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? आहार नली के अंतर्गत। और एक हम बात करेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में जिसमें लार ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है और यकृत ग्रंथि है। तो इन बिंदु को लेकर हम पूरे पाचन तंत्र को पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप चाहे तो इस वीडियो को रोक के आप इनको लिख लें, या फिर आप साथ में के साथ में जो मैं लिखाता जाऊंगा वो तेरे से नोट कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक एक अंग को लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार नली के बारे में। देखो आहार नली क्या है? आहार नली, आहार का मतलब होता है भोजन, और नली का मतलब आप जानते हो, यानी इसको अपन भोजन नली भी कह सकते हैं। आहार नली, भोजन नली। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार नली के बारे में। आहार नली कह सकते हो या आहार नाल कह सकते हो। देखो आहार नली जो होती है इसकी जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 8 से 10 मीटर लंबाई होती है। हमारे शरीर में जो आहार नली पाई जाती है इसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। ये मुख से लेकर यानी यहां से प्रारंभ होकर मलाशय तक यानी मल द्वार तक जाती है, ठीक है। तो आहार नली क्या हो सकती है? हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में भोजन को ले जाने के लिए
तथा उसके पाचन के लिए एक शरीर में जो एक अंग काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, आहार नली कहते हैं, जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर मल द्वार तक जाती है, मुख गुहा से प्रारंभ होकर मल द्वार तक जाती है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की जो लंबाई होती है देखो कितनी होती है, परीक्षा में छोटा प्रश्न पूछा जाता जा सकता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। आहार नली की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है। अब देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग इसकी लंबाई मिल सकती है आपको, लेकिन आपकी जो कक्षा 10 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो किताब जारी कर रखी है उसके अंदर जो लंबाई लेकर की है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। बाकी अगर आप अलग अलग दूसरी कक्षाओं की किताबें देखोगे या एनसीईआरटी में भी देखोगे तो थोड़ा अलग लिखा हुआ है इसको, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसके अंदर जो लिख रखा है वो 8 से 10 मीटर लिख रखा है, वही मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो इसलिए जो कक्षा 10 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप 8 से 10 मीटर ही ध्यान रखें। आहार नली की लंबाई कितनी है, 8 से 10 मीटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एक एक अंग को लेकर। जो सबसे पहला जो अंग आता है मुख और मुख गुहा, इसका जो पहला अंग आता है कौन सा आता है, मुख और मुख गुहा। तो हम उसके बारे में बात करते हैं, मुख और मुख गुहा के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। देखो मुख व मुख गुहा, देखो मुख की बात करें, ये जो मुख हुआ है अपना जो बाहर का जो आपको दिख ही रहा है मुख, देखो ये दो होठों से गिरा हुआ है, कटेरनुमा भाग दिख रहा है आपको, है या नहीं, दो होठों से गिरा हुआ है, एक ऊपरी होठ एक नीचे वाला होठ है। ये होठ क्या करते हैं, मुख को खोलने और बंद करने का काम करते हैं, और बाहर से कोई भी रोटी है या जो भी अपन खाना खा रहे हैं भोजन कर रहे हैं उस भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। तो सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि मुख एक कटोरेनुमा भाग होता है जो ऊपरी और निचले दो होठ से गिरा हुआ होता है। और होठ कैसे होते हैं, मांसल होते हैं, मांसल का मतलब होता है कि जिनके अंदर हड्डी नहीं पाई जाती है। होठ कैसे होते हैं, ये मांसल होठ होते हैं, मांस के बने होते हैं, इनके अंदर हड्डी नहीं होती और ये कोमल होते हैं, ठीक है। तो मुख एक कटोरेनुमा भाग होता है जो दो मांसल होठों से गिरा होता है। होठ मुख को खोलने व बंद करने का कार्य करते तथा साथ ही भोजन को पकड़ने का कार्य भी करते हैं। मैं देखो पिछली जो क्लास थी जो पहला जो अध्याय था उसमें मैंने क्या किया था, बोर्ड पे मैं सारी चीजें लिख रहा था और समझा रहा था, ठीक है। तो कई कमेंट्स भी आए, कई कॉल भी आए कि सर आप नोट्स बोल दो हम लिख लेंगे, ठीक है। और दूसरा देखो आप बड़ी क्लास के बच्चे हो, आप 10th क्लास के बच्चे हो, उसमें मैं बोर्ड पे लिखूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा, तो उसमें देखो बहुत ज्यादा समय भी लगता है, पहले उसके लिए मुझे पहले बोर्ड भरना पड़ता है फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो सबसे अच्छा क्या कि एकदम लाइव क्लास जैसे पढ़ोगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसे मान लो मैं कोई चीज बोल रहा हूँ तो ठीक उसी तरह से आपका अनुभव मतलब आपको फीलिंग आएगी क्लास जैसी, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप साथ में के साथ में लिखते चलो, मैं कोई तेज नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल जैसे कक्षा में पढ़ाते हैं उसी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुख क्या हो जाएगा, मुख एक कटोरेनुमा भाग होता है जो ऊपरी व निचले दो कोमल होठों से क्या होता है, गिरा होता है। होठ क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं, और मुख को खोलने और बंद करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख गुहा की। देखो मुख गुहा में अगर हम बात करेंगे तो मुख गुहा में क्या होता है, एक जबड़ा होता है, जबड़े के अंदर क्या होते हैं, दांत होते हैं, और ये क्या होती है, जिह्वा होती है। क्या होती है, जिह्वा। जिह्वा भी एक मांसल अंग होती है जो क्या करती है, मुख की सफाई करने का कार्य करती है, और भोजन को क्या करती है, उलटने पलटने का कार्य करती है, जिसके कारण क्या कि मुख गुहा के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि, जिससे कि क्या कि वो भोजन को पलटेगी तो जो लार है वो क्या होगी, भोजन में अच्छी तरह से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। तो बात करते हैं मुख गुहा की। देखो मुख गुहा में क्या होता है, एक जबड़ा होता है, जबड़े में क्या होते हैं, दांत होते हैं। क्या होते हैं, दांत होते हैं। साथ ही क्या होती है, जिह्वा होती है, भी मैंने बताया था जिह्वा क्या होती है, एक मांसल अंग होती है, कोमल अंग होता है, ठीक है। जिह्वा के ऊपर क्या पाई जाती है, स्वाद कणिकाएं पाई जाती है, जिससे हम क्या करते हैं किसी भी पदार्थ का स्वाद का क्या करता है, पता लगाते हैं कि ये तीखा है या मीठा है, ये खारा है ये कड़वा है, तो इस सारी चीजों का हम उस तरह से, ये खट्टा है, तो इस सारी चीजों का जो स्वाद का जो हम पता लगाते हैं वो किसके द्वारा लगाते हैं, जिह्वा के द्वारा ही हम स्वाद का पता लगाते हैं। तो हम बात करते हैं मुख गुहा की। देखो मुख गुहा की बात करते हैं, ठीक है। तो मुख गुहा में देखो क्या होता है, एक होती है इसके अंदर जिह्वा, क्या होती है, जिह्वा। तो जिह्वा के लिए लिख सकते हैं, देखो जिह्वा एक मांसल अंग होता है, जिह्वा एक मांसल अंग होता है जो मुख गुहा में पाई जाती है, मुख गुहा में पाई जाती है। यह
भोजन को उलटने पलटने, भोजन को उलटने पलटने व मुख की सफाई का कार्य करती है। भोजन को उलटने पलटने व मुख की सफाई का कार्य करती है। क्लियर? तो यह हो गई एक जीवा के बारे में। अब देखो, जीवा यहां से जुड़ी होती है, एक जो मुख का जो आधार तल होता है उससे जुड़ी होती है, इसे बोलते हैं जीवा फ्रेनुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल। क्या कहते हैं? जीवा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल। तो लिखो जीवा मुख गुहा के जिस आधार से जुड़ी होती है, जीवा मुख गुहा के जिस आधार से जुड़ी होती है, जीवा मुख गुहा के जिस आधार से जुड़ी होती है उसे जीवा फ्रेनुलम, उसे जीवा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिगुअल कहते हैं। जीवा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिगुअल कहते हैं, फ्रेनुलम लिगुअल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी किसकी बात होगी? जीवा की बात होगी। किसकी बात हो गई? जीवा की बात हो गई। अब देखो, मुख गुहा में जीवा के अतिरिक्त क्या होते हैं? दांत होते हैं। क्या होते हैं? दांत होते हैं। तो हम बात करते हैं दांत के बारे में। दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? देखो, दांत जो है हमारा जो जबड़ा है, जबड़े में एक प्रकार का जो सांचा होता है, उस सांचे को हम बोलते हैं मसूड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूड़ा। ठीक है, उस मसूड़े में दांत क्या होते हैं? धसे रहते हैं। ठीक है, तो मसूड़े और दांत की जो स्थिति है उसको हम क्या बोलते हैं? गर्त दंती। अंदर की तरफ दांत क्या होते हैं? धसे हुए रहते हैं। ठीक है, और दांत देखो किसके बने होते हैं? हड्डियों के बने होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, तो लिखो दांतों में, लिखो एक वयस्क व्यक्ति की मुख गुहा में कुल 32 दांत पाए जाते हैं। कुल 32 दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं, जो जबड़े के एक सांचे में स्थित होते हैं, जबड़े के एक सांचे में स्थित होते हैं, सांचे में स्थित होते हैं, जिसे मसूड़ा कहते हैं, जिसे मसूड़ा कहते हैं। तथा जबड़े व मसूड़े की स्थिति को ऐसे लिखो, तथा मसूड़े में दांत व जबड़े की स्थिति को, मसूड़े में दांत व जबड़े की स्थिति को गर्त दंती कहा जाता है, गर्त दंती कहा जाता है, गर्त दंती कहा जाता है। क्लियर? अब देखो, मानव के अंदर जो दांतों की जो व्यवस्था पाई जाती है वो पाई जाती है द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन काल में जो दांत है वो कितनी बार निकलते हैं? दो बार निकलते हैं। कितनी बार निकलते हैं? दो बार। यानी हमारे पूरे जीवन काल में जो दांत निकलते हैं कितनी बार निकलते हैं? दो बार। एक तो जब हम छोटे होते हैं, लगभग जब 6 माह से अधिक उम्र हो जाती है, बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं, और ये लगभग 10-11 की उम्र के आसपास दांत वापिस क्या होते हैं? गिरते हैं। उन्हें हम बोलते हैं अस्थायी दांत या फिर दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी दांत या दूध के दांत। और दूध के दांत गिरने के बाद जो दांत आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्थायी दांत कहते हैं। और जब स्थायी दांत अगर मान लो गिर जाते हैं तो फिर वापिस नहीं निकलते, फिर क्या अपन क्या करना पड़ता है? डेंटिस्ट से नया दांत अपने को लगवाना पड़ता है, नया दांत वापिस
नहीं आता है, ठीक है। तो मानव में किस प्रकार की दंत व्यवस्था पाई जाती है? तो द्विबार दंती, मतलब जीवन काल में दांत तो दो बार निकलते। तो निचले में एसपीएन स्पेशल पॉइंट लगा के लिख लो, मानव में द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। मानव में द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात जीवन काल में दांत दो बार निकलते हैं। जीवन काल में दांत दो बार निकलते हैं, दांत दो बार निकलते हैं। निचले में लिखो, प्रथम वे दांत जो गिर जाते हैं उन्हें दूध के दांत या अस्थाई दांत कहते हैं। दूध के दांत या अस्थाई दांत कहते हैं तथा अस्थाई दांतों के गिरने के बाद निकलने वाले दांतों को स्थाई दांत कहा जाता है। स्थाई दांत कहा जाता है। अब देखो, हमारे जो दांत होते हैं, कुल चार प्रकार के दांत होते हैं। तो लिखो, मानव में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। देखो कौन कौन से। एक तो होता है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और एक होता है चवर्णक। तो ये कुल चार प्रकार के दांत हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब इनकी संख्या क्या क्या होती है, देखो हम लिख लेते हैं। ये होते हैं चार, ये कितने होते हैं दो, ये कितने होते हैं छह और ये होते हैं चार। इस प्रकार से देखो टोटल कितने हो गए, चार और दो छह, छह और छह बारह और चार कितने हो गए सोलह। यानी सोलह दांत नीचे होंगे, सोलह दांत का होंगे ऊपर होंगे, टोटल कितने हो गए बत्तीस दांत हो गए। कितने हो गए बत्तीस दांत, ठीक है। तो कृंतक कितने होते हैं, चार होते हैं। रद्रन कितने होते हैं, दो होते हैं। अग्रचवर्ण कितने होते हैं, छह होते हैं। और चवर्ण कितने होते हैं, चार होते हैं। इस प्रकार से कुल दांतों की जो संख्या होती है हमारे शरीर में, सोलह दांत ऊपर और सोलह ही दांत कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो कृंतक, लिखो कृंतक में लिखो। ये छह माह की उम्र में निकलते हैं, यानी जब बच्चा छह महीने का होता है तब निकलते हैं। ये छह माह की उम्र में निकलते हैं, छह माह की उम्र में निकलते हैं तथा भोजन को काटने का कार्य करते हैं। भोजन को काटने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या कुल आठ होती है, यानी चार ऊपर और चार नीचे। इनकी संख्या कुल आठ होती है, अर्थात चार दांत ऊपरी जबड़े में वे चार दांत निचले जबड़े में पाए जाते हैं। चार दांत ऊपरी जबड़े में वे चार दांत निचले जबड़े में पाए जाते हैं। निचले जबड़े में पाए जाते हैं, क्लियर। तो ये हो गया अपना कृंतक। अगला लिखो रदनक।
देखो रदनक, देखो दांत ये दो ऊपर होंगे दो नीचे होंगे, और ये कब निकलते हैं, ये तो कब निकले थे, देखो 6 माह की उम्र में निकलते हैं, कब निकलते हैं 6 माह की उम्र में, ठीक है, ये निकलते हैं 16 से 20 माह की उम्र में, ठीक है, और ये निकलते हैं 10 से 11 वर्ष की आयु में, और ये निकलते हैं 12 से 15 वर्ष की आयु में। माफ कीजिएगा, अग्र चवर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गया, और चवर्ण कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो कृंतक के बारे में अपन ने देखा था, देखो कृंतक कब निकलते हैं, 6 माह की उम्र में निकलते हैं, और क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं, और 6 माह की उम्र में निकलते हैं, टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में, ठीक है। अगली बात करते हैं रदनक की, देनी लगा लो रदनक, देखो ये 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं, 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं, 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं, इनकी संख्या कुल 4 होती है, मतलब क्या हो जाएगा, 2 ऊपरी जबड़े में 2 निचले जबड़े में, इनकी संख्या 4 होती है, अर्थात 2 ऊपरी जबड़े में वे 2 निचले जबड़े में पाए जाते हैं, निचले में लिखो, ये भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं, ये भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। अब देखो फाड़ना चीरना ये सब कौन करते हैं, जो मांसाहारी जंतु होते वही तो करते हैं, मांस को चीरना फाड़ना, ठीक है, तो मांसाहारी जंतु में ये दांत ज्यादा विकसित होते हैं, तो ये ध्यान रख लेना, मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनमें ये ज्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मांसाहारी जंतु में कौन से दांत ज्यादा विकसित होते हैं, रदनक, जो मांसाहारी जो जंतु होते हैं उसके अंदर कौन से दांत ज्यादा विकसित होते हैं, रदनक जो है वो ज्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। तो लिखो, ये चीरने में फाड़ने का कार्य करते हैं, अतः मांसाहारी जंतु में, मांसाहारी जंतु में ज्यादा विकसित होते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि मांसाहारी जंतु में कौन से दांत ज्यादा विकसित होते हैं, तो कौन से दांत ज्यादा विकसित होते हैं, रदनक, कौन से दांत, आपने देखा होगा कुत्ते वगैरह जो होते हैं उनमें जो आप दांत देखोगे इस तरह से होता है, दांत जो होता है इस तरह का, ये वाला जो दांत होता है इस तरह से, चाहे आप शेर का देख लो चाहे कुत्ते का, शेर का तो फिर क्या देखोगे, कुत्ते का इस तरह से जो दांत होते हैं, देखो आगे के जो दांत होते हैं ना, तो इस प्रकार से, ठीक है, सीधा सा ये एक ऊपर होता है, दो ऊपर होते हैं और दो क्या होते हैं, नीचे होते हैं, सीधा सा पकड़ के क्या करते हैं, फाड़ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दांत होते हैं ये, ठीक है, ये क्या करते हैं, भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, क्लियर। तो रदनक हो गए अपने कितने होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, कब निकलते हैं, 16 से 20 माह की उम्र में निकलते हैं, और ये मुख्य रूप से किसमें ज्यादा विकसित होते हैं, मांसाहारी जंतु में, अपने भाषा में इसको बोलते हैं फुट्टा, फुट्टे जो होते हैं ये वही होते हैं। अगला आता है देखो अग्रचवर्णक, अग्रचवर्ण में निकल लिखो, ये 10 से 11 वर्ष की आयु में निकलते हैं, 10 से 11 वर्ष की आयु में निकलते हैं, 10 से 11 वर्ष की आयु में निकलते हैं, 10 से 11 वर्ष की आयु में निकलते हैं, तथा इनकी संख्या कितनी होती है, 8, यानी 4 ऊपर वे 4 नीचे, तथा इनकी संख्या कुल 8 होती है, कुल 8 होती है, अर्थात 4 ऊपर वे 4 नीचे पाए जाते हैं, 4 ऊपर वे 4 नीचे पाए जाते हैं। अब ये क्या काम करेंगे, भोजन को चबाने का काम करेंगे, तो लिखो ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला लगाओ चवर्णक, कब निकलते हैं ये, 12 से 15 वर्ष के आयु में, तो लिखो चवर्णक में ये 12 से 15 वर्ष की आयु में निकलते हैं,
12 से 15 वर्ष की आयु में निकलते हैं तथा इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 12 हो जाएगी, 6 ऊपर और 6 नीचे, तथा इनकी कुल संख्या 12 होती है, अर्थात 6 ऊपरी जबड़े में वे 6 निचले जबड़े में पाए जाते हैं, 6 ऊपरी जबड़े में वे 6 निचले जबड़े में पाए जाते हैं, निचले जबड़े में पाए जाते हैं, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, यानी ये भी क्या काम करेंगे, भोजन को चबाने का कार्य करेंगे, ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। क्लियर? तो ये हमने देखा हमारा जो पहला जो अंग था मुख और मुख गुहा के बारे में, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है ग्रसनी, तो उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक आप घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ाई करते रहे, और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है तो जो आसन के जो लोकल बच्चे हैं वो मुझे सीधे कॉल करें, और बाकी और भी कोई बाहर का देख रहा है तो अगर आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें मेरे जो नंबर दे रखे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई को आप ढीला ना होने दें। लॉकडाउन के अंदर आपका जो अध्ययन है वो डाउन नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें कोरोना से बचना है, पढ़ाई से नहीं बचना है, पढ़ाई आपको जारी रखनी है। ध्यान रखिए, एग्जाम जिनके बाकी हैं, अभी कोई सरकार की तरफ से निर्णय नहीं आया है, इसलिए जिनके एग्जाम बाकी वो एग्जाम की तैयारी करते रहे, और जो अभी प्रमोट होके आए हैं वो भी अपनी तैयारी शुरू करें कंप्लीटली, ठीक है। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।